इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पुलिस ने एटीएम काटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। लूट के 11 लाख रुपए सहित 3 एटीएम लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी अलीगढ़ दीपक कुमार ने सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को 50,000 का नगद पुरस्कार दिया। इनके कब्जे से 11 लाख नगदी, 3 अवैध तमंचा, 1 कार, साथ ही 2 गैस सिलेंडर सहित 1 गैस कटर बरामद किया गया है। जो कैश डालती थी उसमें एटीएम में, उसका भी कहीं कोई नेक्सस से उसके किसी कर्मचारी को इसमें मिला है? अभी तक इस संबंध में छानबीन से इस तरह का कोई नेक्सस नहीं आया है प्रकाश में, परंतु इनसे जुड़े जो भी हमारे पास तथ्य हैं उसके आधार पर और भी जानकारी गहराई से की जा रही है। सर अंतर्राज्यीय लेवल के हैं सर जी बदमाश? हाँ, इसमें एक जो शहजाद है वो मेवात हरियाणा का रहने वाला है जी। जो घटना से प्रकाश में आया है और ये एक अंतर्राज्यीय। क्या इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की कोई घटना कारित की है एटीएम कार्ड का जो चोरी करने की? ये सहजाद एटीएम काटने का बहुत शातिर अपराधी है, जिसके द्वारा इस संबंध इस तरह के पूर्व में कई अपराध किए गए हैं, जिसके बारे में जानकारी की जाती है। जो पुलिस टीम है खुलासा किया है उसको क्या कोई रिमांड दिया गया है? इस सटीक और वैज्ञानिक तरीके से घटना के अनावरण हेतु डीआईजी रेंज महोदय द्वारा पुलिस टीम को 50,000 रुपये कैश रिवार्ड की घोषणा की। धन्यवाद। ऐसे ये जो घटना हुई है, जो गिरफ्तार हुए आरोपी, इससे पहले मुठभेड़ भी हुई है क्या? हाँ, ये पुलिस टीम को देखकर उसके फायर किया था और पुलिस मुठभेड़ के दौरान कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ? नहीं, इसमें कोई पुलिसकर्मी नहीं। कोई वेपन और कोई कारतूस बरामद हुए? हाँ, इन अभियुक्तों के पास से 3 अगर तमंचा और कारतूस बरामद हुए।